जय हिंद। नमस्कार साथियों, अगर आपने CISF ट्रेड्समैन 787 पोस्टों पर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अगर आपने इसका फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है, तो आप सभी बस अपने अंदर यही सोच रहे होंगे कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा। ये दोनों चीज़ आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने भी CISF ट्रेड्समैन का फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने इतना क्लियर कर लिया है, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि यहाँ पर देखिए, जो इसका एग्ज़ाम हो रहा था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 वाली भर्ती का, इसका एग्ज़ाम यहाँ पे सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। क्या हो गया? संपन्न हो गया एग्ज़ाम, ठीक है। और अभी यहाँ पे अगर बात करें तो जो बच्चे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का एग्ज़ाम देकर आए हैं, सारे बच्चे केवल यही बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल जो था वो थोड़ा था टफ था, एग्ज़ाम थोड़ा इजी लेवल का आया था, लेकिन इजी टू मॉडरेट लेवल इसको बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसको इजी नहीं बोल सकते, डायरेक्ट ना इसको हम हाई बोल सकते हैं, केवल इजी टू मॉडरेट लेवल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो अगर आपने CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अगर फॉर्म को अप्लाई किया था, फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है, तो ये बच्चे मेरी बात ध्यान सुनेंगे, ठीक है। ध्यान से ये सुनना है कि आपका सिलेबस बहुत अच्छा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है। अगर आप सभी थोड़ी भी तैयारी करेंगे तो CISF ट्रेड्समैन का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। 787 वैकेंसी, मतलब ये है कि आपको वैकेंसी नहीं देखना कितनी वैकेंसी है, आपको केवल अपने एक वैकेंसी, मतलब है हमें भाई एक पोस्ट भी हो तो मैं उसमें फायर करूंगा, ये आपके साथ ऐसे ही आपके पास जज्बा यहाँ पे होना चाहिए कि अगर एक वैकेंसी है तो मैं एक के लिए भी फायर करूंगा, वो वैकेंसी मेरे लिए आई है। तो यहाँ पर 787 पोस्ट है, इसमें जो एक तो आपका हो ही सकता है, तो इस तरीके से आप सभी यहाँ पर मेहनत करिए और मेहनत करेंगे तभी आप सभी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो बच्चों को केवल 10 गुना पास करेंगे, वैकेंसी के 10 गुना बच्चे केवल पास किए जाएंगे, उसमें रीजन है, रीजन बड़ी है। बात करें यहाँ पे फिजिकल हो चुका है, ट्रेड टेस्ट हो चुका है, और साथ ही अगर बात करें इसका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। अभी क्या बचा हुआ है? अभी केवल और केवल दो चीज यहाँ पे बचा हुआ है, दो चीज़ में क्या है बता दें आप सभी को, तो एग्जाम है, उसके बाद मेडिकल है, मतलब ये दोनों चीज़ आपका अभी होने वाला है, जिसमें से आपको बता दें कि यहाँ पर एग्ज़ाम में अगर 10 गुना बच्चे पास करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे हो जाएंगे, तो उन बच्चों को यहाँ पर अगर बात करें मिला के आगे मेडिकल के लिए जाएंगे, तो मेडिकल में भी कुछ बच्चे बाहर होंगे, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ में जितनी वैकेंसी है 787 है, तो इतने बच्चे ही भर लिए जाएंगे, इतने बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, बाकी अन्यथा सभी को यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। ऐसी भर्ती यहाँ पर होती है CISF ट्रेड्समैन की। अभी आपको यहाँ पे कितना क्या पढ़ना आपको बता रहे थोड़े बहुत, तो आप सभी ध्यान सुनिएगा। अगर आप यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कट ऑफ आप सबका यहाँ पे 75 प्लस ही रहने वाला है, उससे नीचे कोई कट ऑफ नहीं जाएगा। तो इसमें आप सभी को ज़्यादातर फोकस किस पर करना है, ध्यान सुनिएगा, आपको मैथ पर फोकस करना है, रीजनिंग पर फोकस करना है, और साथ ही बात करें आपको ये दो सब्जेक्ट जो है ये प्रैक्टिस करने वाली है, तो मैथ और रीजनिंग पर आपको जी जहाँ लगा देना है, उसको आप घोल कर पी जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको याद नहीं करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सबका यहाँ पे माइंड जो है डेवलप होता जाएगा, तो इस लिहाज से भी मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि हमको ये बताइए कि हम जीके कितना पढ़ें, तो देखिए जीके जितना पढ़ेंगे उतना आप सबके लिए कम होगा, तो जीके केवल आप पढ़ते रहिए बस, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की, तो आप सबके लिए बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यह बुक यहाँ पर आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 5 सॉल्व पेपर दिया जा रहा है, 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है, और 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलने वाले हैं इस बुक में। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक समझाए गए हैं काफ़ी सरल तरीके से, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। अगर आप सभी इस बुक को परचेज करते हैं तो साथ ही में आपको स्टडी गाइड मिलने वाला है, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को दोगुनी मजबूत कर सकते हो। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेज करना चाहते हो, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सभी वहां से इसे परचेज कर सकते हो, या फिर इसे अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेज कर सकते हो। पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको 100 के 100 क्वेश्चन करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। ये बातें हो गई, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको बताइए हिंदी क्या करें। देखिए हिंदी आपका इजी आएगा, तो हिंदी आप सभी काम करिए, हिंदी का आप सभी 25 में से 25 भी मार सकते हो। अगर आप मैथ, जीके, रीजनिंग करने की अगर आपके अंदर क्षमता है, तो आप हिंदी को यहाँ पर
25 में से 25 मार्क के आओगे, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप सभी यहाँ पर केवल और केवल फोकस करिए मैथ पर, रीजनिंग पर, और साथ ही बात करें हिंदी आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना आए, हिंदी आपको थोड़ा बहुत आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप सभी क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम। साथियों जहाँ तक है आपके चांसेस बढ़ रहे हैं ऑफलाइन होने के, ये दोस्तों एग्जाम आपका ऑफलाइन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का। ऑफलाइन का मतलब ये हो गया कि आप सभी जितनी तैयारी करेंगे आप सबका पेपर जो है जब सीआईएसएफ बनाएगा तो पेपर आपका इजी आएगा, थोड़ा बहुत इजी आएगा, कट ऑफ आपको थोड़ा बहुत हाई जाएगा। तो इसलिए अगर पेपर इजी आ रहा है और जब क्वेश्चन आपका इजी रहेगा तभी आपका पेपर इजी रहेगा, और जब क्वेश्चन इजी रहेंगे तो आप सभी एक करके एक करके एक करके आप सभी यहाँ करते करते 77 या फिर 80 प्लस नंबर भी आप सभी यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो, ला सकते हो, ठीक है। तो सारे भाई यहाँ पर तैयार रहेंगे, आपका एग्जाम जो है वो यहाँ पर सितंबर मंथ में आपकी एग्जाम यहाँ पर शुरू होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। कौन सा मंथ? सितंबर, क्योंकि अगर बात करें तो इसी मंथ जो अगस्त चल रहा है इसमें आपका कांस्टेबल फायर का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है लास्ट वीक तक, ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक तक सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो आप सभी का सितंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 का एग्जाम शुरू होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। उसी के साथ अगर आपको बात करें यहाँ पे तो आप सभी का यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर, देखिए यहाँ पे कांस्टेबल अगर हम बात करें ट्रेड्समैन वालों का, तो इसके बाद जैसे आपका यहाँ पे फायरमैन का हो जाएगा, उसके बाद एसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 का हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सितंबर के लास्ट वीक तक यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम कराने की विचार में ऐसी आ सब, ठीक है। तो जो भाई अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तैयारी करते रहिए, तैयारी करेंगे तभी आप सभी इस वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो तैयारी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ये 101% फिक्स है। तो आपको बता दें कि तैयारी में आपको पीछे नहीं हटना, पहली बात एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया, एडमिट कार्ड का बैगा अभी मैंने आपको संभावना डेट बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एक कर देना, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगी मैं सबके लिए वीडियो यहाँ पे तुरंत बनाऊंगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक ले जाइए भारत, वंदे मातरम।